नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा में 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी वोटर्स को रिझाने के लिए कांग्रेस ने जाति जनगणना का खेल दिया है दांव। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दिया बयान कि हमारी सरकार अगर प्रदेश में आई तो हम कराएंगे जाति जनगणना। हमने पहले भी बढ़ाया था 15% आरक्षण और उसी अनुसार आगे भी संवैधानिक आधार पर ओबीसी समाज के लिए बढ़ाने का करेंगे काम। हरियाणा के अस्थाई कर्मचारियों को किया जाएगा स्थाई। सीएम सैनी की अध्यक्षता में 5 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस नीति को दी जा सकती है मंजूरी। इस बैठक में यह भी होना है तय कि कितने साल की सेवा वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण में किया जाना है शामिल। साथ ही यह भी होना है तय कि किन कर्मचारियों को किया जाना है नियमित। कांग्रेस के धन्यवाद सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले ही कांग्रेस की आपसी फूट को नकारते हुए आए नजर, लेकिन सांसद कुमारी सैलजा के करीबी वीरभान मेहता व राजन मेहता नहीं पहुंचे सम्मेलन में, जो कि चर्चाओं का बने रहे केंद्र, क्योंकि वीरभान मेहता कांग्रेस से सिरसा की विधानसभा सीट को लेकर अपनी दावेदारी पेश करते हुए आए थे नजर। गुरुग्राम से मौजूदा सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सदी हुई राजनीति के तहत कर रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दिया बयान कि मैं कई बार बन चुका हूं एमएलए और एमपी, महेंद्रगढ़ से भी जीता, गुरुग्राम से भी। अब मैं नई पीढ़ी को लाना चाहता हूं आगे। राजनीतिक बताते हैं कि उनकी बेटी आरती राव की ओर है राव इंद्रजीत सिंह का इशारा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने 6 जिलाध्यक्षों को हटाकर उनके स्थान पर कर दी है नई नियुक्ति। हटाए गए जिलाध्यक्षों में अधिकांश के खिलाफ पार्टी के सांसदों और उम्मीदवारों की ओर से की गई थी शिकायत। सांसदों और उम्मीदवारों ने चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नायाब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंपी गई थी इन जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे प्रदेश के 25 खिलाड़ियों को सीएम नायाब सिंह सैनी ने दी है शुभकामनाएं। सीएम सैनी ने दिया बयान कि उन्हें विश्वास है कि सभी खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में करेंगे शानदार प्रदर्शन और भारत का विश्व में बढ़ाएंगे मान सम्मान। 2% जनसंख्या वाले हरियाणा से 22% खिलाड़ियों का चयन पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात। 2 दिन से चल रही डॉक्टरों की हड़ताल हो गई है खत्म। आज से काम पर लौट गए सभी डॉक्टर। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दी जानकारी कि सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव के साथ हुई वार्ता। इस दौरान सरकार की ओर से दिया गया आश्वासन कि वे 15 अगस्त से पहले पूरी कर देंगे हमारी सभी मांगे। जिंद जिले में हो गया दर्दनाक हादसा जहां पेड़ से टकरा गया चलती गाड़ी में रखा म्यूजिक सिस्टम और गाड़ी में खड़े युवकों के ऊपर ही गिर गया गाड़ी में रखा म्यूजिक सिस्टम। इस हादसे में एक युवक की हो गई मौत, साथ ही 3 लोग हो गए घायल। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और शव को भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए, साथ ही घायलों को इलाज के लिए रेफर किया गया हिसार। पानीपत में पुलिस ने अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की पेटियों से भरा पकड़ा एक ट्रक। सीआईए 3 पुलिस टीम ने चौटाला रोड से गौशाला की ओर जाने वाली सड़क पर की कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक और परिचालक को मौके से कर लिया गिरफ्तार। हरियाणा में 11 जिलों में भारी बारिश का जारी किया गया अलर्ट। इसमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल जिला है शामिल। इसके अलावा कैथल, जिंद, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में भी हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। इस बीच पानीपत और झज्जर में सुबह से भी हुई है बारिश। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे एनालाइज।